नंबर वन के टैग से कैसे आउट हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर आजम की टीम के ध्वस्त होने की क्या है कहानी, पाक धुरंधर की बर्बादी के पीछे जानी क्या है इंडिया का कनेक्शन, नंबर वन के खिताब से कितनी खिसकी बाबर की सेना। इन दोनों दुनिया भर में वर्ल्ड कप का खुमार छाया हुआ है। अब तक 23 मैच भी हो चुके हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा चर्चा जिस टीम की हो रही है वो है बाबर आजम की सेना, यानी कि पाकिस्तान की टीम। हो भी क्यों ना, आखिर इस टूर्नामेंट में जितनी लानत पाकिस्तान टीम को झेलनी पड़ी शायद ही वहां तक कोई पहुंचा हो। हैरानी की बात तो यह है कि चंद दिनों पहले तक बाबर आजम की सेना नंबर वन थी। इतना ही नहीं, पाक टीम ने विश्व कप में सबसे पसंदीदा टीम के तौर पर एंट्री भी की, लेकिन महज दो हफ्ते के अंदर ही बाबर सेना ध्वस्त हो गई। ऐसे में लोग इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं, तो चलिए इसके पीछे के कई मायने समझते हैं। क्या इसके पीछे सच में इंडिया का कोई कनेक्शन है? पाकिस्तान की शिकस्त की कहानी। दरअसल एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से उतरा था। इस मैच में आने से पहले पाकिस्तान दुनिया की नंबर वन वनडे टीम थी। बाबर आजम नंबर वन बल्लेबाज, शाहीन अफरीदी दुनिया के सबसे खौफनाक गेंदबाज थे, तो हैरिस राउफ की गेंद तूफान थी, नसीम शाह आग बरस रहे थे। पाकिस्तान के सामने भारत की बात करें तो भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और श्रेयस अय्यर चोट से वापसी कर रहे थे। एशिया कप से पहले कोई इंटरनेशनल मैच नहीं मिला था। जसप्रीत बुमराह आयरलैंड में खुद को परख रहे थे। प्लेइंग 11 कंफर्म नहीं थी, जिस वजह से पाकिस्तान टीवी चैनलों में चिल्ला चिल्ला कर ये दावा किया जा रहा था कि बाबर सेना भारत को हरा देगी। उनके हौसले सातवें आसमान पर थे, लेकिन जैसे ही एशिया कप शुरू हुआ वैसे ही पाकिस्तान टीम की बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। बाबर की सेना की बर्बादी कहां से हुई शुरू? तारीख 10 सितंबर, जगह प्रेमदासा स्टेडियम। भारत से मिली 228 रनों की इस हार ने पाकिस्तान को ऐसा सदमा दिया कि वो इससे अब तक उबर नहीं पाई है। यहीं से शुरू हुई पाकिस्तान की दुर्दशा की कहानी। बाबर सेना फेवरेट के तौर पर भारत आई और अपने दोनों प्रैक्टिस मैच न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार गई। न्यूजीलैंड ने 345 रनों का लक्ष्य हासिल किया तो ऑस्ट्रेलिया ने 351 रन ठोके। कुल मिलाकर गेंदबाजी की पोल खुल गई। इसके बाद पाकिस्तान के लिए विश्व कप में दो आसान मैच रहे। इसके बावजूद इस जीत के लिए पार्ट टाइम जॉब करने वाले खिलाड़ियों वाली टीम नीदरलैंड्स के आगे संघर्ष करना पड़ा, जबकि चोट से जूझ रही श्रीलंका के खिलाफ उसे बड़ी मुश्किल से जीत मिली। वहीं अहमदाबाद में रोहित की सेना ने पाकिस्तान को 191 रनों पर समेट दिया और 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया। इस मैच में पाकिस्तान की टीम इतनी जल्दी सिमट गई कि कोई यकीन नहीं कर पाया, खुद भारतीय टीम भी नहीं। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को हार का झटका दिया, लेकिन इस बर्बादी की आखिरी कील अफगानिस्तान ने चेन्नई में ठोकी, जिसको बाबर की टीम और पूरा पाकिस्तान पचा नहीं पाया। पाकिस्तान की हार का क्या है कारण? पाकिस्तान टीम की फील्डिंग बेहद निराशाजनक रही, कई अहम कैच ड्रॉप किए और बाउंड्री छोड़ी। बाबर आजम टीम की जान है, उनका बल्ला बुरी तरह फेल रहा, इससे टीम अपने आप पटरी से उतर गई। शाहीन अफरीदी और हैरिस फॉर्म में नहीं है, कोई भी बल्लेबाज धो दे रहा है। टीम के पास शादाब खान है, लेकिन उनके पास ऐसी स्पिन नहीं है जिससे वो बल्लेबाजों को परेशान कर सके। बाबर आजम की रणनीति बेहद कमजोर है, कहीं से भी कमतानी से असर छोड़ते नहीं दिखे। ऐसे में अगर पाकिस्तान की टीम आगे भी इन कमियों को नहीं सुधारती तो बाबर की सेना का क्या होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता।